तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षाओं में आपको मिलने वाला है जैसा कि आज हम यहां से देखने वाले हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों टोटली का पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपको प्राप्त होने वाला है जैसा कि आज हम यहां से देखेंगे। तो देखिएगा सेट ए बी सी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा पहले ही बताया जा चुका है और ये डी सेट का सॉल्यूशन है जो कि आज अभी देख रहे हो आप। तो देखिएगा अगर आपने इन चारों सेटों को नहीं देखा है तो इनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग वहां पर जाके इनको चारों वीडियो को अच्छे से देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हर सेकेंडरी का पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का होगा जिसमें कि आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा 2 होने चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ये बनाया गया था 1932 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यदि साझेदार के आरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आरण पर ब्याज की गणना की अवधि कितनी होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा 6 माह, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा पूर्व अनुपात में। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा नए साझेदार के प्रवेश पर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवकाश ग्रहित साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान कराने पर कौन सा खाता खोला जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा वार्षिक उचंत खाता खोला जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस जगह से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। पहला रिक्त स्थान देखते हैं, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है प्राप्ति और अनुपात, देखिएगा इसको कहेंगे हम प्राप्ति अनुपात, इस जगह से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि से साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपको लिख लेना है नए साझेदार से कोई संबंध नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वसूली खाता फर्म के जीवन में बनाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फर्म के जीवन में एक बार बनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कंपनी के कार्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, इसका कौन करता है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें पार्षद और इसके बाद में सीमा नियम, पार्षद और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा सीमा और इसके बाद में आपको लिखना होगा नियम। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निर्गत पूंजी कभी भी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निर्गत पूंजी कभी भी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, अंश पूंजी जिस प्रमुख शेष में लिखी जाती है उसे कोष कहते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको हम कहते हैं अंशधारी कोष, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, इसको कहा जाता है अंशधारी कोष कहते हैं। इसके बाद में 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, विश्लेषण का साधारण तात्पर्य आंकड़े हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है इसका आंकड़ों का मतलब, इसका अर्थ होगा सरलीकृत आंकड़े। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको एफ से कर लेना है और 2 नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग सी से कर लेंगे और उसके बाद में 3 नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसके जोड़ी का मिलान आप लोग बी से कर लेंगे
और उसके बाद में चौथे नंबर की जोड़ी लिखी है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग ऐसे कर लें, और उसके बाद में पाँचवें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इसे कर लेंगे, और उसके बाद में छठे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग डी से कर लें। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को अच्छे से देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है। तो देखिएगा ये आपका असत्य होगा। इसके बाद में नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज साझेदारी के अनुसार एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की इच्छा से ही निवृत्त हो सकता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन तो देखिएगा ये आपका असत्य होगा। इसके बाद में कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। देखिएगा पाँचवे नंबर का क्वेश्चन तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में मूल्यह्रास 1 करोड़ 1 रोकड़ मध्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको, एक वाक्य 1 शब्द में उत्तर। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से एक वाक्य 1 शब्द में उत्तर देख लें। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है लाभ। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र आए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं अल्प अभिधान। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे अल्प अभिधान इन्हें कहा जाता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, कंपनी के स्थिति विवरण के किस शीर्षक में विकास संबंधी व्यय को दर्शाता है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है गैर और उसके बाद में चालू संपत्तियाँ शीर्षक, गैर चालू और उसके बाद में संपत्तियाँ शीर्षक के अंतर्गत इसको दर्शाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है गैर संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ और शीर्षक के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो देखिएगा 5 का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेंगे आप लोग, चालू अनुपात व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता को प्रकट करता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अल्प और उसके बाद में कालीन और इसके बाद में अल्पकालीन वित्तीय, यहाँ से आप लोगों को लिख लें अल्पकालीन वित्तीय और आगे आपको लिखना होगा सुदृढ़ता को ये प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा गया क्वेश्चन नंबर 6, देख सकते हो किस अनुपात का संबंध बेचे गए माल की लागत एवं औसत स्तंभ से है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है स्कंद, इस प्रकार से लिख लें स्कंद आवर्त अनुपात, स्कंद और इसके बाद में आगे आपको लिखना है आवर्त और उसके बाद में आगे आपको लिखना है अनुपात से इसका संबंध है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा 8वें नंबर के क्वेश्चन को देख लें, ये जो लिखा गया है यहाँ पर 7वें नंबर, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, लेखांकन मानक 3। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना है, लेखांकन और उसके बाद में मानक और उसके बाद में 3, यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको लिख लें। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, उसके बाद में ये 8 लिखा गया है, ये 9 लिखा है। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। आप सभी लोग यहाँ से पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, टोटली आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।